किसको रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं है या फिर वो खा खा के परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको टैकोस खाना पसंद है, और अगर हाँ तो किस टाइप के, वेज या नॉन वेज। और मुझे ये भी कमेंट करके बताओ क्या आपको रोटी सब्जी खाना पसंद है। तो हम यहाँ बना रहे हैं रोटी सब्जी टैकोस। तो उसके लिए मैंने रोटी कुछ इस टाइप से 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए ब्रॉयल करके रखा। ब्रॉयल से क्या होता है, डायरेक्ट हीट पड़ती है और वो शेप में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बेक दिख रहा होगा, लेकिन बाद में मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मैं उस टाइम भूल गई थी। तो जब टैकोस की शेप में आ जाए रोटी, तो उस पर मेयोनीज या सॉस कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है, और जो भी सब्जी बनी है वो आप डाल सकते हो इसके बीच में। और ऊपर से आलू भुजिया मत भूलना, आलू भुजिया से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी सा आता है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसको सॉस के साथ भी खा सकते हो या प्लेन भी खा सकते हो, वो आपके ऊपर है। और जब आप इसको खाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्यों, अभी तो नवरात्र चल रहे हैं इसलिए मैंने इसके बीच में और सब्जियाँ नहीं डाली, मतलब कि मैंने इसके बीच में प्याज भी डालना था, लेकिन अभी तो नवरात्र चल रहे तो प्याज नहीं डाल सकते। तो इसलिए एट द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।